हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर छे यजू हब ऑनलाइन क्लासेज। सब्जेक्ट जूलॉजी, टॉपिक लाइसोसोम, लयन काय। आज हम लयन काय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो शब्द है लाइसोसोम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो और एक है सोमा। लैसो का मतलब होता है पाचन, सोमा का मतलब होता है काय, यानी कि कोशिका में पाए जाने वाली एक ऐसी संरचना या काय जो कि पाचन का कार्य करती है, डाइजेशन का कार्य करती है, पदार्थों का अपघटन करने का कार्य करती है, वो लाइसोसोम या फिर लयन काय कहलाती है। तो इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसके बाद में लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज 1955 में डी ड्यू नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यकृत कोशिकाओं से इसकी खोज की। खोज 1955 में डी ड्यू ने किसमें से की, यकृत कोशिकाओं में से। इनमें भी लयन काय या लाइसोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट की जो सेल्स होती हैं उनमें ये एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में ये उपस्थित रहता है। लाइसोसोम के अंदर इसका मुख्य कार्य जो होता है वो पाचन का होता है, इस वजह से इसमें मुख्य रूप से पाचक एंजाइम, इसमें मुख्य रूप से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइमों भी में भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज एंजाइम जैसे प्रोटियोस, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज आदि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि विभिन्न पदार्थों का अपघटन करने का कार्य करते हैं। इसके बाद लाइसोसोम जो होता है इसका निर्माण मुख्य रूप से गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ये तो गोल्जी काय और यहाँ से ये होता है ER, यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये दोनों मिलकर लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आता है लाइसोसोम के प्रकार। लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड सेकेंडरी। प्राथमिक लयन काय एक होता है, द्वितीयक लयन काय। प्राथमिक लयन काय जो होते हैं ये प्रारंभिक में बनते हैं, यानी कि सर्वप्रथम बनने वाले
सर्वप्रथम जिस लेनकाय का निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है, वो प्रारंभिक लेनकाय कहलाता है। और इसमें प्रारंभिक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी कि इसके द्वारा किसी भी अवयव का अपघटन नहीं किया जाता। इसके बाद में जब भक्षाणु की क्रिया होती है, यानी कि लाइसोसोम के द्वारा किसी पदार्थ का भक्षण किया जाता है, भोजन का भक्षण किया जाता है, वो क्रिया भक्षाणुक, उसके दौरान प्राथमिक लयनकाय से द्वितीयक लयनकाय का निर्माण होता है। द्वितीयक लयनकाय इसका निर्माण होता है और पदार्थों के पाचन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। द्वितीयक लयनकाय का जो निर्माण है वो कोशिका भित्ति के द्वारा होता है। यहाँ से अपने पास में इसके टाइप्स हो गए, प्राथमिक और द्वितीयक लयनकाय। प्राथमिक लयनकाय में ये सर्वप्रथम बनने वाले लयनकाय हैं, जो कि प्रारंभिक प्रकार के इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और भक्षाणु की क्रिया जो होती है फेगोसाइटोसिस की क्रिया, उसके बाद बनते हैं द्वितीयक लयनकाय, जिनका निर्माण जो होता है वो कोशिका भित्ति के द्वारा होता है। अब यहाँ पर आता है नोट पॉइंट। लयनकाय जो होते हैं इनको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। क्यों? इसका कारण यह होता है, लयनकाय जो होते हैं ये पाचन का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से किसका कार्य करते हैं? पाचन का कार्य। कोशिका के अंदर या सेल के अंदर किसी भी कारण से लयनकाय यदि फट जाता है, डिस्ट्रॉय अगर हो जाता है, तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। इसके साइटोप्लाज्म की कोशिका द्रव में आ जाते हैं और कोशिका द्रव में पाए जाने वाले पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, जिस वजह से कोशिका जो होती है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसके विभिन्न जो अवयव हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से हम लयनकाय जो होता है उसको सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती थैली कहते हैं। इस प्रकार से लयनकाय जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम कार्य, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो फेगोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस। इन दोनों के माध्यम से बाह्य पदार्थ लाइसोसोम में प्रवेश करते हैं। यहाँ से समझेंगे, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों की क्रिया के माध्यम से जो पदार्थ यहाँ पर आए हैं उन पदार्थों का अपघटन करना, अपन कह सकते हैं डायरेक्टली बाह्य पदार्थ जो है उनका अपघटन करना। आप समझेंगे यहाँ से फेगोसाइटोसिस ये क्या होता है, ये है भक्षाणु की क्रिया, यानी कि लाइसोसोम के द्वारा जब पदार्थों का भक्षण किया जाता है तो वो क्रिया जो है वो भक्षाणु क्रिया कहलाती है, फेगोसाइटोसिस। तो इस दौरान बाहर से जो पदार्थ अंदर भक्षण किए गए हैं उनका अपघटन करने का कार्य लयनकाय करता है। इसी के साथ सेकेंड जो यहाँ से वर्ड है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस का मतलब है
अवशोषण, यानी कि कोशिका से जिन पदार्थों का जो पदार्थ जो है वो रिस कर या फिर अवशोषित होकर अपने आप पहुँचे हैं लयन काय में, ये वाली जो क्रिया है वो पिनोसाइटोसिस कहलाती है। यानी कि कोशिका द्रव से कुछ पदार्थ जो है वो रिस कर किस में चले जाते हैं, लयन काय में चले जाते हैं पिनोसाइटोसिस क्रिया के माध्यम से। तो इन पदार्थों का अवशोषित जो पदार्थ हैं इनका अपघटन करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, लयन काय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के माध्यम से आने वाले जो पदार्थ हैं उनका अपघटन कौन करता है, लयन काय करता है। इसके बाद में रोगग्रस्त सेल्स जो होती हैं, इसी के साथ में रोगाणु, इन दोनों का नष्ट करना फिर या अपघटन करने का जो कार्य होता है वो भी इसी के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद में आता है निषेचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका थर्ड पॉइंट। तीसरा जो कार्य है वो निषेचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कारण ये रहता है यहाँ से नरयुग्मक अंडकोशिका, यहाँ से नरयुग्मक जो है वो अंडकोशिका के अंदर प्रवेश कर निषेचन की क्रिया को कंप्लीट करता है। लेकिन अंडकोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली जो भित्ति है या झिल्ली जो पाई जाती है, ये झिल्ली यह भित्ति जो है वो बहुत ही कठोर होती है। इस वजह से यह नरयुग्मक जो होता है ये इसकी भित्ति को भेद कर अंदर नहीं जा पाता है। इसलिए लयन काय जो होता है वो इस भित्ति को डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ से इसको अपघटित कर देता है या इसको इसका पाचन कर देता है, जिस वजह से नरयुग्मक आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें अंडकोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली कठोर भित्ति को ये नष्ट कर देता है, जिससे नरयुग्मक इसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा गुणसूत्रों को पृथक करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अंकुरित बीज जो होते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बीज जो होते हैं इन बीजों के अंदर जो भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, इन भोज्य पदार्थों का अपघटन कर इन बीजों को अंकुरण योग्य बनाता है। यदि भोज्य पदार्थ इसके अंदर रहेंगे तो ये अंकुरण नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पर लयन काय जो होता है इसके अंदर उपस्थित भोज्य पदार्थों का अपघटन कर देता है और अंकुरण के लिए इनको योग्य बनाता है। तो इस प्रकार से फंक्शंस और लाइसोसोम टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।